ऐसा प्रोडक्ट है कि इसकी ज़्यादा से मार्केटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं, बहुत ही चलने वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने लास्ट वीडियो शूट किया था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी वीडियो अगला वीडियो आएगा वो आएगा एक्सपर्ट के साथ, यानी कि अब मैं एक्सपर्ट की राय लेकर ही वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट वुमन, और यहाँ पर दोस्तों मैं हूँ एक नए बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ, और ये बिजनेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ा निवेश मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने रखता है एक एक्सपर्ट की राय। बिजनेस के बारे में अगर आपके पास संपूर्ण सही जानकारी है तभी मार्केट के अंदर आप ग्रोथ कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों मेरे साथ है एक्सपर्ट अक्षय मैम, और इनसे आज मैं करूँगा कुछ सवाल जवाब इस मशीन के बारे में, क्योंकि ये बिजनेस काफी यूनिक बिजनेस है, बहुत ही कम लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। बहुत सारे आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी जिसमें आपको बताया जाता है कि कानों कान किसी को खबर नहीं है बिजनेस के बारे में, लेकिन इस बिजनेस के बारे में खबर है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उनके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है कि मशीन कहाँ से खरीदूंगा, रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट आएगी ओवरऑल, और उसके बाद किस प्रकार से बेचूंगा, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स मेरे लिए यूज में रहेगी ताकि मैं अपने बिजनेस को वो ज्यादा मजबूत कर पाऊंगा, और प्रॉफिट की गणित क्या रहेगी, तब बड़ा मैं निवेश कर रहा हूं तो प्रॉफिट क्या रहेगा मेरे लिए। तो यहां पर दोस्तों इस बिजनेस के बारे में मैं एक्सपर्ट से सलाह लूंगा जो कि हमारे साथ अक्षय मैम है, लेकिन उससे पहले जितना इस बिजनेस के बारे में मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर दोस्तों ये कमाल की मशीन है, ये अपने हिसाब से कुल 5 तरह के प्रोडक्ट है वो उत्पादन करती है, मतलब कि प्रोडक्शन करती है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले बता दूं तो यहां पर दोस्तों आप इसे जूस फिलिंग कर सकते हो। पहली चीज, अगर आपको पानी पैक करना है पानी भी पैक हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इससे लस्सी पैक करनी है लस्सी भी पैक हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं मुझे बटर मिल्क पैक करना है वो भी इससे पैक हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इससे जेली पैक करनी है जेली भी पैक हो जाएगा, और इस मशीन से आप 18 तरह के और फ्लेवर है वो तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों इस मशीन के बारे में और आपको जानकारी दे दूँ तो सारे के सारे जो फ्लेवर के आइडियाज हैं किस प्रकार से फ्लेवर बनेंगे वो सारा का सारा रॉ मटेरियल भी यहीं से मिलेगा और मशीनरी है वो यहीं से मिलेगी। और एक बात मुझे और यहाँ की पसंद आएगी, इस मशीन से बेचा हुआ माल 50% का सीधे आपको है वो मुनाफा देता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस मशीन के बारे में, तो यहाँ पर अक्षय जी मुझे इस मशीन के बारे में बताइए कि इस मशीन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसे, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बिल्ड क्वालिटी हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है, कि इसकी क्वालिटी हमें किस प्रकार से वो रहेगी। हाँ, ये मशीन 4 नोजल का ये मशीन है, पूरा MS का बना हुआ है, हार्ड मटेरियल का बना हुआ है मशीन, और ये 4 जो नोजल है वो पूरे स्टेनलेस स्टील में है, 304 में है। हम आपको एक स्क्रीन भी दे रहे हैं जिस स्क्रीन पे आपको पूरा ये फ्लैश होगा कि कौन सा ML का पाउच आप पैक करने वाले हो, जैसे कि 50 ML का, 100 ML का, 200 ML का, ये सारा सेटिंग आप इधर कर सकते हैं। 2 बटन भी दिए आपको, ये बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं या वो बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मशीन में डबल सीलिंग क्वालिटी है, इससे आपका 0% लीकेज होता है, लीकेज पाउचेस में बिल्कुल भी नहीं होता है। और साइड पे आपको ट्रे दिया है ताकि आपके पाउच फिलिंग होने के बाद सीधे ट्रे में गिर के आपके नीचे बकेट में गिर जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि मैं एक्सपर्ट से सलाह ले रहा हूँ और एक्सपर्ट से राय ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक करना है। बिल्ड क्वालिटी मशीन की काफ़ी अच्छी है, और मैंने यहाँ पर देखा कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्टेनलेस स्टील 340 का यूज हुआ है, मतलब कि जंग लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपके लिए। और ये 4 नोजल वाली मशीन है, यानी कि एक टाइम के अंदर आप 4 पाउच है इसे पैक कर सकते हो, और ये ड्यूल सीलिंग का काम करेगा, मतलब कि 0% लीकेज रहने वाले। और इस वीडियो को मैं बताऊंगा कि वर्किंग मैम तो करेंगे, इसका एक्सपर्ट है क्योंकि ये बताएंगे इस मशीन के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं भी करूंगा मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, मेरा जो ट्रायल है वो फर्स्ट टाइम रहने वाला है, तो मुझसे है वो कितनी लीकेज रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं इस मशीन का जो वर्किंग कंडीशन के अंदर आपको बता देने वाला रहने वाले हैं ये बटन, तो इस बटन से एक बार मैनुअली आपको सेट करना होगा कि कितना पाउच फिलिंग करना है, 200 ML का करना है, 150 ML का करना है, 50 ML का करना है, या फिर आपको करना है 300 ML का, इसके अंदर कितने ML का पाउच फिल होगा वो भी इसके अंदर है वो बता दिया जाएगा। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मशीन को वर्किंग यानी कि चालू स्थिति के अंदर मुझे बताइए किस प्रकार से मशीन है वो काम करती है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि मशीन का वर्किंग कैसे होता है। अब ये 4 नोजल है, इसमें मैं 100 ML के पाउचेस डाल रही हूँ नोजल में, तो आप देख सकते हो कि इजीली हम इसके अंदर है जो पाउच के अंदर एक हल्का सा छेद है उससे आप आराम से इजीली इस जो नोजल है उसके अंदर है वो डाल सकते हो।
देखिए ऐसे हमने अभी नोजल में पाउचेस से डाले, चार नोजल में। अभी आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, इधर से दो बटन दिए हुए, उसमें से कौन सा भी बटन आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बटन प्रेस करती हूँ। ये पाउचेस अभी पूरे फिल हो गए। अभी ट्रे पे गिर के नीचे आपके बकेट में गिरे। तो मैम आपसे मुझे ये प्रश्न था कि क्या अभी जो मार्केट के अंदर आप ये देख रहे हो जो कैप वाले पाउच अब ज्यादा बिक रहे मार्केट के अंदर, तो क्या इस मशीन से ये फिलिंग हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? यस, ये पाउच आप इसी मशीन में फिलिंग कर सकते हैं, इसी मशीन से होंगे। मैं अभी आपको इसका वर्किंग दिखाऊंगी और इसका कॉस्टिंग भी बताऊंगी। ये आपका जो ये कैप वाला जो पाउच है, पूरा प्रोडक्ट आपका तैयार होता है 6 रुपए में और मार्केट में ये इसका MRP रहता है 10 रुपए। इसमें अभी आपको इसको पाउच, ये पाउचेस नोजल में लगा के दिखाऊंगी और कैसा इसका वर्किंग होता है ये भी दिखाऊंगी। और ये पाउचेस 200 ml के रहते हैं। तो आप बाजार के अंदर 5 रुपए वाले प्रोडक्ट बेच दोगे, 10 रुपए वाले बेच दोगे, लेकिन कंपटीशन को अपन को फाइट करना, इसलिए और भी प्रोडक्ट हमें मार्केट के अंदर है वो लाने होंगे। तो अभी ऑन डिमांड सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, तो हमें ये बताएंगे कि किस प्रकार से इस मशीन से ही हम इस प्रकार के प्रोडक्ट है वो फील कर सकते हैं। देखिए ये अभी हमने दिखाया है कि 200 ml का एक कैप वाला पाउच कैसे पैक होता है। देखिए सर, देखो इसको यानी कि पैकिंग जो हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, मतलब कि लीकेज की जो प्रॉब्लम होती थी पहले 0% कर दी, कि जितने भी जो जूस टाइप के जो भी होंगे फ्लेवर के अंदर मैं बता देता हूँ, आप लेमन, ऑरेंज, कोला, जीरा या मैंगो, पाइनएप्पल वगैरह इस मशीन से आप फील कर सकते हो। उसके बाद बटर मिल्क वगैरह पैक हो ही जाएगा, लस्सी वगैरह पैक हो जाएगी। यानी कि इस मशीन से कंपनी कह रही है कि मतलब जो हमारे जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 5 तरह के प्रोडक्ट है वो निकलता है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि इससे आप 5 तरीके के नहीं बल्कि आप 23 प्रकार के हैं वो टोटली प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हो। मतलब कि 18 तरह के फ्लेवर हो जाएंगे और 5 तरह के वो प्रोडक्ट हो जाएंगे, मतलब कि 23 तरह के प्रोडक्ट इस मशीन से आप है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं रेकमेंड आपको करता हूँ इस मशीन को, क्योंकि बहुत ही कम निवेश के अंदर अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस मशीन को किस प्रकार से खरीदेंगे। मैं इस मशीन के कॉस्ट आपको बताता हूँ, किस प्रकार से इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, प्रॉफिट हमारे लिए क्या रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा हम निवेश कर रहे थे कितना पैसा कमाएंगे हम। उसके बाद आपके लिए रहेगा कुछ टिप्स और ट्रिक्स, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स मैं यूज करता हूँ ताकि मैं मार्केट के अंदर अच्छी है वो ग्रोथ कर सकूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा सवाल सीधे अक्षय मैम से कि अगर मैं इस मशीन को खरीदता हूँ या मैं रेकमेंड करता हूँ, जितने भी जो भारत के अंदर मेरे यूजर्स हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, जो मेरे दर्शक हैं, वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं ये मशीनरी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी प्रॉफिट दे सकती है, तो किस प्राइस सेगमेंट के अंदर खरीदेंगे, वो किस प्रकार से खरीदेंगे, प्लीज़ दर्शकों को ये बताइए आप। ठीक है, 4 नोजल का मशीन है सर, इसका प्राइस बहुत ही कम है, 60,000 प्राइस है 4 नोजल का। और इसमें 2 नोजल का भी मशीन आता है, उसका प्राइस है 56,000 और ये 60,000 का है। और आप इस मशीन की पूरी जानकारी हमें कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप इधर डायरेक्ट हमारे कंपनी में विजिट कर सकते हैं। इससे विजिट करने से आपको और ज़्यादा अच्छे से इसकी इस मशीन के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मुझे अक्षय मैम ने बताया कि इसकी जो कॉस्ट आती है वो 60,000 रुपये है और दूसरा इसका एक और मॉडल है जिसकी कॉस्ट रहेगी 56,000 रुपये। अगर आपको खरीदना है तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मशीन को खरीदना चाहते हैं तो मैंने का एड्रेस नीचे पूरा कंप्लीट एड्रेस दे दिया है, गूगल की जो साइट है उसका भी एड्रेस दे दिया, मतलब कि डायरेक्टली आप लिंक पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर सीधे सीधे पहुँच जाओगे। क्योंकि यहाँ पर पहुँचने से आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आप इस मशीन के बारे में और अधिक जान लोगे, क्योंकि मैं पूरा इस मशीन के बारे में जान चुका हूँ किस प्रकार से मशीन है। क्योंकि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ अब आपको कि आप इस मशीन को खरीदते तो 101% आप प्रॉफिट के अंदर रहने वाले हो। अब दूसरी बात कि अगर आप इनको कॉल करते हो तो कंटिन्यू डिस्प्ले के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे, तो आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तो मुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप का एक लिंक डाला है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो उनके पास ये मैसेज आ जाएगा और आप डायरेक्टली इनसे वो बातचीत कर पाओगे। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये कि मैं रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदूंगा, कि अगर रॉ मटेरियल, वैसे मार्केट पूरा इंडिया
बहुत बड़ा है। अगर मुझे रॉ मटेरियल अगर आपसे खरीदता हूँ तो क्या बेनिफिट रहेगा, अगर मैं मार्केट के बाहर से खरीदता हूँ तो क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर, रॉ मटेरियल तो पूरा हम ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पाउचेस हो, आपका फ्लेवर्स हो वगैरह सब हम प्रोवाइड करते हैं। और रॉ हमारा फ़ायदा ये रहेगा, आप हमसे अगर ख़रीदेंगे तो आप कम से कम क्वांटिटी में पाउचेस खरीद सकते हैं। बाहर से अगर आप लोगे पाउचेस तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, हम कम से 1,000 भी पाउच आपको अगर चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और 50,000 चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए अच्छी बात रहने वाली ये कि मशीन खरीदते हैं आप इस यहाँ से बालाजी एंटरप्राइजेज, तो मशीन के साथ साथ आपको रॉ मटेरियल भी यहीं से भी मिल जाएगा, मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक कॉल किया और आपके घर पर है वो सामान पहुंच जाएगा। फ्लेवर जो आपको चाहिए सारे फ्लेवर मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पाउच से चाहिए पाउच सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको चाहिए कि मुझे वो फार्मूला भी चाहिए तो यहाँ से आपको फार्मूला भी है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी है, डायरेक्टली एक कॉल करना है और कॉल के माध्यम से आपका सारा समाधान हो जाएगा, और यहाँ से आप मशीन वगैरह भी एक कॉल के माध्यम से है वो मंगा सकते हो। अब लास्ट सवाल मेरा अक्षया जी मैम आपसे ये कि मैं मशीन को ले रहा हूँ, 60,000 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, आप भी अगर आप 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक है जो 60,000 रुपये की मशीन लेंगे, उसके बाद उस कच्चा माल भी लेंगे, रॉ मटेरियल भी लेंगे, कोई 10,000 का लेगा, 20,000 रुपये का लेगा, प्रॉफिट क्या रहने वाला है? सबसे मेन चीज रहेगी मैम प्रॉफिट की, मुझे प्रॉफिट के बारे में सीधी सट इसकी गणित समझा दो ताकि मैं कस्टमर को डायरेक्टली क्लियर बता सकूं कि इतना प्रॉफिट होगा आपके लिए, इतना रिटेलर को मिलेगा, इतना मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, मैं अभी आपको इस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बताती हूँ। ये 5 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है, ये प्रोडक्ट आपका पूरा तैयार होगा 1.80 रुपये में, इसमें सब लाइट इलेक्ट्रिक का कॉस्टिंग, फ्लेवर कॉस्टिंग, पाउच कॉस्टिंग और शुगर कॉस्टिंग, ये सब मिला के आपका प्रोडक्ट 1.80 रुपये में तैयार होगा। इसके पीछे आपको 1 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, हर एक पाउच के पीछे 1 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। अभी आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको बल्क में प्रोडक्शन निकालना है, अगर आप 2,000 प्रोडक्ट इसका निकालते हो तो सीधा सीधा आपको प्रॉफिट मिलेगा 2,000 इस प्रोडक्ट का। अभी इसके साथ आप दूसरा जो प्रोडक्ट निकालोगे, जैसे कि ये कैप वाला पाउच है, स्पाउट पाउच बोलते हैं इसको, ये मार्केट में सेल होता है 10 रुपये में, इसका MRP रहता है 10 रुपये में, ये आपका पूरा कॉस्टिंग निकलता है, पूरा पाउच तैयार होता है 6 रुपये में, इस एक पाउच के पीछे आपको 1.5 रुपये प्रॉफिट मिलता है। और ये स्टैंड अप पाउच है हमारा 200 ml का ही है, और ये प्रोडक्ट आपका पूरा तैयार होता है 4.5 रुपये में, और ये MRP इसका रहता है 10 रुपये, इस पाउच के पीछे आपको लगभग 2 रुपये प्रॉफिट मिलता है एक पाउच के पीछे। तो यहाँ पर दोस्तों अक्षया मैम ने मुझे बता दिया प्रॉफिट के गणित, अब आपके लिए प्रॉफिट के गणित क्या और मेरी प्रॉफिट गणित क्या है वो क्या कहते हैं कि अगर मैं किसे कितना कमाऊंगा। 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कोई छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होता है, अब मैं इस मशीन से वो कितना कमाऊंगा। कंपनी ने कहा है कि इससे आप आराम से 2,000 प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि इस पीस के वो 2,000 यूनिट तैयार कर लोगे, सीधा सीधा प्रॉफिट इससे हो जाएगा आपके 2,000 रुपये। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है इससे आप 2 रुपये कमाओगे। अगर मैं कहता हूँ कि ज़्यादा आप प्रोडक्शन मत करो, आप दिन के अगर 1500 यूनिट भी इससे तैयार करते हो तो सीधा इसका प्रॉफिट हो जाएगा आपके लिए 3,000 रुपये। और अगर आप चाहते हो कि मुझे और बड़ा बिजनेस करना है तो ये वाले जो प्रोडक्ट, जो कैप फिलिंग वाले जो प्रोडक्ट है, अगर आप, मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं सिर्फ आपसे कहता हूँ कि 1,000 पीस का ही आप मैन्युफैक्चरिंग करो, आप 1,000 पीस का ही प्रोडक्शन करो, मतलब कि इसका जो प्रॉफिट रहेगा 1,500 रुपये। यानी कि अगर आप इस बिजनेस को करते हो, इस मशीनरी को लगाते हो, मार्केटिंग लेवल अच्छा रखते हो, नेटवर्किंग अच्छी करते हो, रिटेल काउंटर ज़्यादा करते हो, और दिन के अंदर तकरीबन 2,000+, अगर आप दिन के अंदर 3500 पाउच भी इन तीनों के मिलाकर रिटेल काउंटर कर लेते हो, क्योंकि अभी आप रिटेलर नहीं हो, अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग हो, और आपको बड़ा सोचना है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि मैं बड़ा बिजनेस बताने वाला हूं, तो अब आपको बड़ा सोचना है। अगर आप दिन के अंदर 3500 यूनिट इसके निकालते हो तो सीधा सीधा प्रॉफिट आपके लिए रहने वाला 6,500-7,000 रुपये का, मतलब कि इजीली वे में आप कमा भी लोगे, क्योंकि ऑन डिमांड सबसे ज़्यादा भारत के अंदर, मैं अपने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं कि पूरे भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई चीज खाई जाती है तो चुस्की आती है, और इस चुस्की के बाद सबसे पहले नंबर आता है इसका, क्योंकि ये फिलिंग मशीन के द्वारा पूरी फिल की हुई आती है, वैलिडिटी भी इसकी रहती है, और ये मार्केट के अंदर बड़ी धूम से बिकती है, ऑन डिमांड बिकती है। इसलिए प्रॉफिट के मामले के अंदर मैं बात करता हूं तो अगर आप इस मशीन को लगाते हैं तो यहां पर दोस्तों आप सीधा सीधा इससे है वो दिन के अंदर अगर आप अच्छा खासा रिटेल काउंट करते हो तो यहाँ पर 6,000-7,000 रुपये का है वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब
बात आती है कि प्रॉफिट भी हो गया, मशीन भी खरीद ली, मार्केटिंग क्या करूंगा, कहां पर मैं बेचूंगा इसका सामान, तो सीधा सवाल मेरा अक्षय मैम से कि मैं मशीन खरीद लिया, प्रॉफिट आपने मुझे समझा दिया है कि मैं माल तैयार भी कर लूंगा, अब तैयार करके मैं गोदाम भर नहीं सकता, अपने आसपास तो रख ही नहीं सकता, अब मैं इनसे ही जानकारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत के अंदर ही बताया था कि हर वीडियो जो आएगी, कोई भी वीडियो पब्लिश होगी, वो एक्सपर्ट की राय, तो ये हमारे साथ एक्सपर्ट है, तो अब मैं इनसे पूछताछ करता हूँ कि मैं कहाँ पे इसका मार्केट करूंगा, कहाँ पे इसको है वो बेचूंगा और किस प्रकार से मैं मार्केटिंग करूंगा। सर, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसकी ज़्यादा से मार्केटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं, बहुत ही चलने वाला प्रोडक्ट है, मार्केट में इस प्रोडक्ट का बहुत ही डिमांड है। डायरेक्ट रिटेल काउंटर में आप अगर जाएंगे तो भी ये प्रोडक्ट सेल होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके फिर रिटेलर के पास ऐसे जाने की भी ज़रूरत नहीं, इतना इस प्रोडक्ट का डिमांड है। और ये तो हर एक दुकान में, जैसे कि स्वीट मार्ट्स में, अपने किराना माल में, कहीं भी ये प्रोडक्ट आपका बिक सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेजेस के बाहर ये प्रोडक्ट बहुत ही सेल होता है। अगर ये बिजनेस आपको एक बड़ी लेवल पर करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे सकते हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैले और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये प्रोडक्ट सेल हो। दोस्तों, जो आपने सुना वो मैंने भी सुना, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको राय ये भी दे दूं कि जो मैम ने बताया कि आप इस प्रोडक्ट को है वो कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी जो अपने आसपास की किराना वाली शॉप है वो कवर हो जाएगी, रिटेल काउंटर जितने भी है वो कवर हो जाएंगे, अपने आसपास स्कूल कॉलेज या रेलवे स्टेशन के वगैरह बार वगैरह दुकानें होती है वो सारी कवर हो जाएगी, अपना माल है वो वहाँ बेच सकते हो। अब जिनके घर के अंदर फ्रीजर लगे हुए हैं तो आप उनको भी एक बार कॉन्टैक्ट करते हो तो वो भी माल है वो परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे 2 रुपये 1.5 रुपये एक प्रोडक्ट के पीछे मिल रहा है, तो आपका माल वो ऑटोमेटिकली वो सेल करने के लिए राजी हो जाएंगे। अब बात आती है नेटवर्किंग की, मार्केट बड़ा करना है, बड़ा बिजनेस, बड़ा सोच, तो आपको कुछ करना होगा अलग। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बनाकर करना है टीम काम, तो आपको करना होगा कि आप अपने एरिया लेवल पर देखो कि मैं क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप तैयार कर सकता हूँ। इसके जिनके पास ऑलरेडी किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उनको आप एक बार ये प्रोडक्ट लेकर जाकर समझाइए, ताकि वो आपके वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सके। और यहाँ पर दोस्तों, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब ले लेते हैं तो आपका प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब प्रॉफिट लेवल है वो किस प्रकार से बढ़ेगा, तो यहाँ पर दोस्तों, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, आपने बंदे वगैरह भी लगा दिए, आपने सारा का सारा इसे वो कर लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास सिर्फ काम यही होता है कि वो रिटेल काउंटर के अंदर, जितने अपने सिटी के अंदर, गांव के अंदर, जिले के अंदर काउंटर होता है वो सारे के सारे देखता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पकड़ना है, ताकि वो सारे का सारा रिटेल काउंटर है वो कवर कर लेगा और आपका माल है वो आसान करे। बिजनेस स्टार्ट करना खाने का काम नहीं, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक्सपर्ट की राय, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे आपको ऐसे अपवाद वाली वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर दिन के अंदर लाखों रुपए का कमाने को आपको बोला जाएगा, लेकिन जो हम ट्रस्ट करते हैं, जो हम गारंटी लेते हैं कि आप कितना कर लोगे प्रॉफिट, कितना बिजनेस कर लोगे, कितनी मार्केटिंग कर लोगे, कितने लोगों को इन्वेस्टमेंट करा लोगे, लेकिन जो हमें एक्सपर्ट की जो राय मिलती है, जो इस बिजनेस के बारे में संपूर्ण तरीके से जानता है, वो ही सच्चा भागीदार होता है आपके लाइफ का, क्योंकि वो आपको बिजनेस के बारे में संपूर्ण है वो राय देता है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस मशीन को खरीदने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप है वो कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी फ्यूचर के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे नंबर भी व्हाट्सएप पर दिए हो, आप डायरेक्टली मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में वो समझा सकूं। अब मेरा ट्रस्टेड तो है ही है, इसके साथ साथ इंडिया मार्ट का भी ट्रस्ट आपके लिए है वो बना रहेगा। और इसी प्रकार के बिजनेस आइडिया के लिए, टेक्निकल अपडेट के लिए, आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट वुमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो तक।